हेलो दोस्तों, आज बहुत सारे नायाब्स में से एक नया नायाब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आज के आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। सो इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 4λ/1+λ² वाई इज इक्वल टू 2-2λ² / 1+λ² वेयर लैम्डा इज अ रियल पैरामीटर। सो बेसिकली आपको एक कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया है यहाँ पे, एंड x²-xy+y² लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल ए टू बी, देन ए प्लस बी इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दिए गए हैं 8, 10, 13 और 25, राइट। सो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, एक पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व दिया गया है और उसी कर्व के जो पॉइंट्स को यूज करते हुए एक एक्सप्रेशन बनाया गया है यहाँ पे, विच इज x²-xy+y². उस एक्सप्रेशन का हमें रेंज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पैरामेट्रिक फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए हम पैरामीटर को एलिमिनेट करते हैं। तो जब आप पैरामीटर का एलिमिनेट करोगे तो आपका जो रिलेशन बन के आएगा एक्स और वाई के बीच में, उसको हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पैरामीटर कैसे एलिमिनेट होगा। दोस्तों, पैरामीटर एलिमिनेट करना कभी कभी इतना आसान नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि इस केस में कौन सा तरीका लगने वाला है पैरामीटर एलिमिनेट करने के लिए। तो लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा हमारा प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई को टारगेट करते हैं। वाई में हम ये जो एक्सप्रेशन है लैम्डा स्क्वायर, इसको लिख देते हैं लैम्डा स्क्वायर प्लस 1-1, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है। जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे दोस्तों, तो आपको मिलेगा 4-2λ² + 1/λ² + 1, और डिवाइड जब करोगे 4 को और 2λ² + 1 को डिनोमिनेटर से, तो आपको मिलके आ जाएगा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन, 4λ² + 1-2, राइट। सो दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि आपका y प्लस 2 है 4λ² + 1। तो आइए इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे रख देते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4/1+λ² ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे जब आप y प्लस 2 को रखते हो तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे लैम्डा निकल के आ जाता है x/y+2। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इस एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन हमारे लिए बहुत कारगर है, ये एक्सप्रेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस पुट दिस इन योर एक्सप्रेशन ऑफ x, ठीक है। तो ये वापस से हम जाके इस पूरे एक्सप्रेशन में डाल देते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे क्या हमारा लैम्डा कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है और क्या हमें एक्स और वाई के बीच एक रिलेशन मिल के आती है। चलिए डालते हैं लैम्डा वैल्यू को x/y+2। सो 4λ मीन्स 4 × this डिवाइडेड बाय 1+λ² 1+λ² ओके चलिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले तो हम x और x को काट देते हैं यहां पे। दूसरी बात ये कि हम डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए आप मल्टीप्लाई करिए 4/y+2² तो y+2² यहां पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये बन के क्या आता है, ये बन के आता है 1 = 4y+2 एंड डिनोमिनेटर में आपका बन के आएगा x²+y+2 होल स्क्वायर। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को अब हम y+2 होल स्क्वायर लिख देते हैं और राइट साइड हो जाएगा y+2, बेसिकली डिनोमिनेटर को हम लोग लेफ्ट तरफ लेके गए हैं। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से, 4y+8, 4y, 4y gone। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास एक सर्कल आ गया है, ठीक है। तो सर्कल का ही ये पैरामेट्रिक फॉर्म था। देखिए कितने पेचीदे तरीके से इन्होंने पैरामेट्रिक फॉर्म दिया था। आप भी सोच रहे होंगे सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म तो हम लोग को पहले से मालूम था, r cos θ r sin θ, तो ये भला कौन सा नया पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया। दोस्तों, पैरामेट्रिक फॉर्म फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन अपने हिसाब से पैरामेट्रिक फॉर्म लिख सकता है। आइडिया ये होता है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में जब आप पैरामीटर को एलिमिनेट करते हो तो आपका वो सेम कर्व निकल के आना चाहिए। तो हम लोग जो जानते थे पैरामेट्रिक फॉर्म इसका, वो ये था कि एक्स को हम लोग r cos θ लेते थे और वाई को r sin θ। तो चलिए इसका पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग आइए ये लिख देते हैं। इससे हमारे एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने में भी आसानी मिलेगी। तो हमारा जो एक्सप्रेशन था जो हमें इवैल्यूएट करना था वो था x square plus
वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, करेक्ट। अब इसको जब आप x को रिप्लेस करोगे 2 cos थीटा से और y को 2 sin थीटा से, तो आपको मिलेगा 4 माइनस 4 sin थीटा cos थीटा, इन शॉर्ट आपको मिलेगा 4 माइनस 2 sin 2 थीटा। अब कोई आपसे पूछता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, चलिए आइए इसको हम लोग कहते हैं f ऑफ थीटा। तो f ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे तभी होगी जब आपका sin 2 थीटा यहाँ पे माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। तो आइए साइन थीटा को माइनस 1 लिखते हैं, तो आपका जो मैक्स वैल्यू हो जाएगा 6। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू आप बोलोगे सिंपल जब आपका साइन 2 थीटा 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू। तो इसका ये मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है आपको दिया गया था, ये एक्सप्रेशन बाउंडेड है 2 से 6 के बीच में। मतलब क्या दोस्तों, मतलब आपका a ही 2 है और b 6 है, तो a प्लस बी हो गया आपका 8। तो दिस इज दी आंसर टू दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल, हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था जहां पे आपका ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज हुआ है फंक्शन के फॉर्म में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।